हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जीके कॉमा मैथ हैस में स्वागत है। आज हम बायोगैस के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। सब्सक्राइब पर घंटी को जरूर दबाइएगा। फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर भी इसे शेयर कीजिएगा, दोस्तों के पास भी इसे शेयर कीजिएगा। जैविक अपशिष्ट जैसे मृत पौधे और जंतुओं के अपशिष्ट, पशुओं के गोबर, रसोई के अपशिष्ट को गैसीय ईंधन में बदला जाता है। यहाँ पर लाया जाता है, पहले इसको मिक्स किया जाता है और यहाँ पे आने के बाद ये गैसीय ईंधन में बदल जाता है, जो ये मीथेन के रूप में हमारे किचन तक जाता है और हम इसका उपयोग खाना बनाने में करते हैं। इसे ही बायोगैस कहते हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार में इसकी संभावना सबसे अधिक है, क्योंकि यहाँ पर जनसंख्या भी अधिक है पशुओं की, और अपशिष्ट, जैविक अपशिष्ट भी सबसे अधिक पाए जाते हैं। इसका उपयोग बायोगैस बनाने में किया जा सकता है, लेकिन भारत में महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा उपयोग करता है बायोगैस का 74%, गुजरात दूसरे स्थान पे है, 62% उपयोग बायोगैस का करता है। जैविक अपशिष्ट जो इससे इसमें जाता है वह बैक्टीरिया द्वारा बायोगैस संयंत्र में अपघटित होते हैं। ये बायोगैस संयंत्र है, यहाँ पर अपघटित होते हैं, जो कि अनिवार्य रूप से मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण होता है। बायोगैस खाना पकाने में और विद्युत उत्पादन दोनों के लिए किया जा सकता है। किसान इससे दो प्रकार से लाभान्वित होते हैं। एक तो उनको ऊर्जा के रूप में उनकी आवश्यकता की पूर्ति होती है, जो खाना बनाने के लिए उनको मीथेन गैस मिलता है जिसका उपयोग करते हैं। दूसरा, जब इससे गैस तैयार हो जाता है तो इसके अपशिष्ट को खाद के रूप में उपयोग किया जाता है, यानी उर्वरक के रूप में खेतों में डालते हैं, तो इससे जो है फसल अच्छा होता है। तो दो तरह से किसानों को फायदा होता है। बायोगैस के उत्पादन तकनीकी का प्रशिक्षण देने के लिए भारत में 3 बायोगैस केंद्र हैं। पहला कोयम्बटूर, दूसरा उदयपुर, तीसरा पूसा। ये 3 जगह है जहाँ पर बायोगैस के बारे में, उसकी तकनीकी के बारे में जानकारी हमें दिया जाता है।